हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जी टी ए 5 में मॉडिंग करते हो और आपको कोई भी एरर का सामना करना पड़ रहा है, मतलब आपको आफ्टर मॉडिंग कोई भी एरर, जैसे कि अगर आप अपनी कार स्पॉन करना चाह रहे हो जो आपने खुद ही मॉड करके डाली है और वो स्पॉन नहीं हो रही है, या आपको कोई मेमोरी का एरर आ रहा है, या आपको कोई दूसरा एरर मतलब क्रैशिंग इश्यूज वगैरह आ रहे हैं जी टी ए 5 में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे एरर गारंटी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। कोई इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। तो गाइज, अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरीके के एरर हो सकते हैं। तो गाइज, ये है वो सारे एरर, कभी मेमोरी इशू आता है तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट वी की, ये कुछ और चीज़ें। ये जब भी आपका स्क्रिप्ट वी और आपका गेम वर्जन कंपेटेबल नहीं होता तब ये एरर आता है। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो। बाकी इसके अलावा ये जैसे कि मेमोरी एरर वगैरह आते हैं और आपकी गाड़ी अंदर शो नहीं हो रही होती, तो गाइज सारे के सारे एरर फिक्स हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको ये फाइल चाहिए होगी, गेम कॉन्फ़िग फाइल, और उसके बाद आपको चाहिए होगा हीट एडजस्टर, और उसके बाद आपको चाहिए होगा पैक फाइल लिमिट एडजस्टर। तो गाइज, ये तीन फाइल आपको चाहिए होंगी। तो मैं ये इतना डिटेल में तो बता नहीं सकता कि हर फाइल क्या काम करेगी, लेकिन गाइज मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके हर एरर सॉल्व कर देगी गारंटी के साथ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है। तो गाइज, आप लोग को ये तीनों की तीनों फाइल डाउनलोड कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी कर चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये है मेरी तीनों की तीनों फाइल, ये गेम कॉन्फ़िग की फाइल है, ये पैक फाइल लिमिट एडजस्टर और ये हीप एडजस्टर। तो गाइज, आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले तो हम लोग गेम कॉन्फ़िग की फाइल को देख लेते हैं। तो गाइज, आप लोगों को अपना गेम वर्जन देख लेना है, तो उस हिसाब से ये फाइल को आपने डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना गेम वर्जन आपको दिखा देता हूँ, ये मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इसके आइकन की डिटेल में जाता हूँ। तो डिटेल में जाने के बाद तो गाइज, ये लिखा हुआ मेरा गेम वर्जन 1.0.22.15.0। तो गाइज, मेरे को अपना गेम वर्जन पता चल गया, आप अपना देख के उस हिसाब से फिर आपको डालना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो गेम वर्जन है ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा पुराना हो जाता है गेम वर्जन तो उस पर काफ़ी सारे ऐसे मॉड्स जो चलते नहीं है, उसके प्रूफ वी के मसले होते हैं। तो आप अपने जी टी ए 5 को लेटेस्ट ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है, जितना लेटेस्ट होगा उतना परफेक्टली वर्क करेगा वो ये चीज़ें उस पर, और मॉड वगैरह भी अच्छी तरीके से चलेंगे। तो गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ इस गेम कॉन्फ़िग की फाइल को जी टी ए 5 के अंदर डालना किस तरीके से। तो गाइज, मेरा वर्जन शायद ये नहीं है, मैं अंदर चले जाता हूँ, तो मैं अभी अपना वर्जन ढूंढता हूँ। तो गाइज, मुझे अपना वर्जन मिल चुका है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो मेरे को यहाँ से अपनी फाइल लेनी है। तो गाइज, आपको करना है ये इन सबको आप छोड़ देना, सिर्फ ये जो स्टॉक ट्रैफिक है ना, ये होता है 1x पैड और 1x ट्रैफिक, तो आपको सिर्फ यही चाहिए, स्टॉक ट्रैफिक मीन जी टी ए विलेज। तो गाइज, ये आपको मिलेगी फाइल, आप लोगों को कर लेना है अपना ओपन IV ओपन। तो मैं ये कर लेता हूँ ओपन। तो गाइज, ओपन हमारा ओपन IV खुल चुका है, तो अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज, ओपन IV खुलने के बाद आपने एडिट मोड को ऑन कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने मॉड्स में जाना है, अपडेट में जाना है, अपडेट और RPF में जाना है, कॉमन में जाना है, डेटा में जाना है, और ये गेम कॉन्फ़िग की फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। तो गाइज, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप लोग ज़रूर कर लेना। उसके बाद आप लोग को एडिट मोड को बंद कर देना है और ओपन IV को बंद कर देना है, क्योंकि इसका काम आपका हो गया है ख़त्म। तो अभी गाइज, हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपके पास आता है हीप एडजस्टर। तो आपने जस्ट सिंपल इसको GTA 5 की डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है बस, उस आपको और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद आपको पैक लिमिट एडजस्टर खोलना है, इसके साथ भी गाइस आपको सेम इसी तरीके से करना है, आपको जस्ट इसको GTA 5 की डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो बस गाइस, आप लोगों का सारा काम यहाँ पे होता है ख़त्म, और इसके बाद आपके सारे के सारे एरर आफ्टर मॉडिंग सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हालांकि इसके बाद तो कोई इशू आएगा नहीं। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपका मसला इससे सॉल्व हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी मैं GTA 5 की गेम प्ले वगैरह भी डालता हूँ, तो वो भी गाइज आप लोग देख लिया करो। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।